चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई। हाँ कुछ नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। साल का मेरे को अगर इतना रिटर्न मिला, अगले साल कितना अमाउंट हो जाएगा, उस तरह का ही है वो, सिंपल सी आई है जैसी है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, दो साल का निकालने का है ना, सीधा सी आई का, वो फॉर्मूला वो ट्री नहीं बनाना हमें, दो साल का टू ईयर्स का देखते हैं। ऐसा ही क्या होता है हमारा, अगर मेरा 10% 2% लूँ, 2% या 10% लेता हूँ पहले, तो दो साल का ऐसा ही क्या होगा ललिता, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट सर, 10 पहले साल में फर्स्ट और सेकंड ईयर है ना, तो दो साल में कितना हो जाएगा, 10 यहाँ मिलेगा, 10 यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन सी आई क्या हो जाएगा, 10 तो यहाँ मिलेगा, 10 यहाँ मिलेगा, लेकिन जो पहले मेरे को 10 मिला इस पर एक और मिल जाएगा, ये आ गया 21। और कई बार हमें वो देगा सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, देखो जो मेरा सीधा आ जाएगा 1%, ठीक है। अब ये देखो हम सी आई निकालते कैसे, इसे सीधा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, समझ गए। यहाँ तो एक्स और वाई एक ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 हो गया। अलग भी हो सकते हैं कि पहले साल मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, दूसरे मिल रहा है 15% का, तो इस फॉर्मूले में रखो दो साल का हमारा सी आई आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। क्या आएगा, 10 प्लस 15, ये आज इंटू में आ जाएगा 150, 10 × 15 लिख देता हूँ, पहली बार करवा रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा 1.5 और ये 26.5 आ गया, ठीक है। ऐड करके 25 में 26.5 आ गया, है ना। वहीं ऐसा ही कितना था इसका 25, अगर वो डिफरेंस पूछता है हमसे कि डिफरेंस कितना है, तो 26 में से ये माइनस कर दिया, कुल मिला के डिफरेंस में क्या होता है, ये वाला पार्ट कट जाता है, है? वो दिया ना, नहीं तो दिया, थोड़ी देर में दे पापा को आग मार लो। चलो आ गया समझ में, कुल मिला के डिफरेंस क्या होता है दो साल में, एक्स वाई बाई 100, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता हमारा डिफरेंस। चलो कौन बताएगा, 7% के रेट पे सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस क्या होगा दो साल में, क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई बाई 100 डिफरेंस का, है ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई तो कट ही गया, एक्स वाई क्या है यहाँ पे एक ही है, ये तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा, 49 बाई 100 मतलब 0.49, ठीक है। तो अगर वो पूछता है कोई अमाउंट दे दी कि 10,000 है हमारा प्रिंसिपल, इस पे सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस क्या आएगा इस पे दो साल का, रेट 7% का है, तो सीधा 0.49% निकाल दूंगा मैं, है ना, ट्री वाले मेथड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो साल का हो गया, दो साल का चलो मेरे को फटाफट बताना, टू ईयर्स के लिए 2% का रेट है, 2, 3, 4 बीच में छोड़ देता हूँ एक आधा, है ना, 7, 8, 9, 10 इतने का ही बता दो, है ना, चलो या 12 भी लिख लिया, चलो 12 और 15 बताओ, एक स्टार्ट हो जाए एक, अंशु बताओ, दो साल का मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, टोटल डिफरेंस नहीं बताना, दीपक ऐसे अगला तो बता, फिर दो तुम ऐसे लाइन से बताता रहो, बताओ तीन का क्यों टाइम लग रहा है, दो बार इसे ऐड करना, 2a प्लस कर देना हमें इसका स्क्वायर बाई 100, अगर वो बाई चांस ज़्यादा बन रहा है जैसे इसमें बनेगा 1.44, तो 24 तो आ गया, 12 प्लस 12 प्लस वो 1.44 आया तो 25.44 हो जाएगा, है ना, ऐसे याद करना है। बताओ पहले स्क्वायर निकाल लो, वो देख लो, अगर वो एक से बढ़ा रहा है तो ऐड करना पड़ेगा उसमें, कैरी चल जाएगा, है ना, क्या है 8.16, सही है ना, देखते रहना, बताओ इसका क्या आएगा, पीछे स्क्वायर आता है, स्क्वायर क्या आएगा 25, केवल 0.25 आया, अगर 1.25 होता तो साथ में ऐड हो जाता, वो 1 इसमें ऐड हो जाता, 5 प्लस 5 प्लस 1 आ जाता, है ना, लेकिन कोई कैरी नहीं है तो सीधा 10 आ जाएगा। अगला बताओ अंशु,
14.49, ठीक है, ए स्क्वायर और पीछे वो, ये बताओ भैया समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 18.81, अभी कोई कह रहे नहीं आ रहा है ना, इसका 10 का बताओ, हाँ 10 का स्क्वायर क्या होगा, एक आ गया, उधर से 20 में प्लस एक कर देंगे तो 21 आ गया, ठीक है 25.44, इसमें 25.44 क्यों आया, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया 1.44, और ये 24 + 24 दो बार करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 + 12 क्या करूँगा, दो बार, तो 24 यहाँ से आ गया प्लस 1.44 ये, ठीक है, ये एक कैरी आ गया, इधर 25 हो गया है ना, ऐसे 15 क्या क्या आएगा, 15 का स्क्वायर करो पहले, सही है ना, क्योंकि 2.25 आया, ठीक है, और प्लस 15 है, 2 = 30, तो 30 में 2.5 जोड़ दिया हमने, 2 पैसे है ना। अब ये बताओ मेरे को, अगर डिफरेंस पूछेंगे तो क्या आएगा, एस आई का डिफरेंस 0.25 नहीं आएगा, वो 30 आएगा है ना, 2.25 आएगा, क्योंकि ये 30 आएगा, ये 24 आया एस आई, ये कितना आया 20 है ना, कुल मिला के सब में ये वाला पार्ट बच जाता जो हमने स्क्वायर करके लिखा था, ये डिफरेंस आता है ना, एक्स वाई बाई 100, ये याद रखना है ना, बहुत सवाल आएंगे ऐसे जिसमें वो डिफरेंस दे देगा और पूछेगा प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये हो गया 2 साल के लिए, 2 साल का आसान है तो ये याद भी नहीं करना, हमें एकदम हाथों हाथ निकल जाता है ना, 3 वाला फॉर्मूला ज़्यादा लंबा है तो कुछ उसके फॉर्म याद कर लेंगे हम, ठीक है, जैसे 3 वाले का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा, 3a² + 3a² = a³, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, और बाकी जितना भी सब होगा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, 2 डिजिट लेनी है यहाँ पे, अगर 3 आ रही होगी तो 1 पहुँच जाएगा कैरी, ठीक है। अब देखो पहले 2 का ले लेते हैं हम, 2% का रेट है ऐसा ही, तो कितना हो जाएगा 3 साल के लिए, ये हम कर रहे हैं 3 ईयर्स के लिए, बताओ ऐसा ही क्या होगा, 6% सीधा है ना, जितना रेट है जितने साल है इंटू कर दो, ठीक है, 2 + 3 = 6 है, लेकिन इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल के लिए, फॉर्मूला ये है, सब पीछे से स्टार्ट करो, 2 का³ क्या आएगा 8, लेकिन मुझे 2 डिजिट लिखनी है तो 8 नहीं लिख सकता, 08 लिखूंगा है ना, ऐसे ही है ना, 1 1 1, तो यहाँ 8 नहीं लिख सकता मेरे को, साथ में 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 डिजिट लेनी है मेरे को, है ना। इसके बाद क्या है, 1 का² क्या होता है, मतलब 2 का² 4, 4 * 3 = 12, ठीक है 12 आ गया, अगर कोई मान लो 112 होता तो 1 चल जाता यहाँ कैरी, ठीक है, 3a क्या हो जाएगा 6, तो ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 6.1208 3 वर्ष के लिए, है ना, 2 वर्ष का तो हमने अभी करा था, ठीक है, जाके एक बार ये फिर से निकालने की कोशिश करना, 2 कुछ सबके लिखना, खुद निकालना है ना, हमें याद से ही हो जाएंगे सारे, और भूलोगे नहीं हम निकाल कैसे रहे, है ना। अगर डिफरेंस पूछे ललिता कि 3 वर्ष के लिए 2% के रेट पे CI - SI का डिफरेंस क्या होगा, ये पीछे वाला पार्ट रह जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा ही कितना है 6, तो 6.1208 में 6 घटाऊंगा तो पी बस ये बच जाएगा, सिंपल। 3% का बताओ, एक और निकालते हैं, मैंने ललिता आप बताओ, 27 आ गया यहाँ पे पीछे, पहले मुझे 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, फिर पॉइंट, फिर बाकी यहाँ, फिर से 27 आ रहा है, 1 का² 9 और 9 * 3 = 27, यहाँ पे 9 है ना, तो ये हम बार बार इसे वहाँ एग्जाम में निकालेंगे नहीं, इसे याद कर लेंगे हम, है ना, 2 का 3 का 4 का क्या आता है बताओ, 12 पॉइंट बताओ बताओ, सही है पक्का, मैंने चेक नहीं करा, ठीक है, 5 का क्या है 15.7625, तो ये 1, 2, 3, 4 ये हम याद कर लेंगे, है ना, बार बार एग्जाम में निकालेंगे नहीं, इससे निकालेंगे कौन सा, अगर वो दे देगा 6% का दे देगा, 6% का याद मत करो, मैक्सिमम टाइम तुम्हें 5, 3, 4 इनमें से मिल जाएगा, है ना, या फिर मिलेगा 10 साल का, वो 10% का 10% का और याद करो, 10% का क्या है निकाल के बताओ, इससे 1³ क्या आया, 10 का³ क्या आएगा 1000, तो पीछे केवल कितनी बच जाएगी, 2 0,
ठीक है, एक कैरी आ गया, याद रखना है ना, एक कैरी आया, दस कैरी आया, दस कैरी आया। अब ए स्क्वायर क्यों है, सौ, सौ, तीन सौ, तीन सौ में दस आया, तीन सौ दस, दस आ गया, ठीक है, और तीन की चलेगा कैरी, थ्री ए क्या हो गया, तीस, तीस प्लस तीन तैंतीस, क्या आया, तैंतीस पॉइंट जीरो का तो मतलब है ही नहीं कुछ, तो ये आ गया तैंतीस पॉइंट एक, इसे रट लो, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनका, सबसे ज़्यादा यही आएगा 10% का, 33.10 एक ही तो है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, उसके बाद कितनी भी जीरो लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल आउट हो जाती है। 33.1 भी वही बात है, 33.10 भी वही बात है, 100 भी बात है, हज़ार कितनी जीरो लगा ले उसके पहले ना हो जाए, दिखा देता हूँ, तो ये कह रहा ना, ये तेरे हिसाब से ये दोनों नंबर अलग है ना, अलग पता क्या है, अलग ही है, 33.01, इसे मैं 33.001 नहीं लिख सकता ना, ये अलग हो गया, पीछे वाले जीरो को हटा सकते हैं, ठीक, पीछे वाले जीरो का मतलब ये है, अगर दो डिजिट होगा, अगर 100 होगा तो उसमें से 10, ठीक, अगर 10 होगा तो उसमें से एक, समझिए, पॉइंट वन का मतलब क्या है अंशु, इस पॉइंट वन का मतलब यही तो है, अगर ये सिंगल डिजिट तो 10 में से एक है पीछे, 33 प्लस 1 बाई 10 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा रहा है तो 10वां पार्ट किस में से, 100 में से, तब भी 1 बाई 10 ही बना, ठीक है, अगर तू एक और जीरो लगा देगा तो तीन डिजिट है तो हज़ार में से 100, तो 100 बाई हज़ार कितना आएगा, वही आएगा, ठीक है, बाद में कट जाएंगे, एक बाई 10 ही रह जाएगा सब में, ठीक है, ये कुछ परसेंटेज की तरह ही हो गया, तो परसेंटेज को 1/3 लिख ले, और बड़ा लिख ले, 100/300 लिख ले, कुछ भी लिख ले, दोनों ऊपर नीचे कुछ भी इंटू कर ले, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो ये याद करना है हमें, 2, 3, 4, 5 और 10, और ये तो हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, 4 साल का बताया था ना, 3 का हम 3 साल का निकाल लेंगे, हम 12 का पूछेगा 12 का भी निकाल लेंगे, याद नहीं कर रहे हम निकाल लेंगे, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, किसी का बड़े नंबर का ट्राई करते हैं, 15 का ट्राई करते हैं, है ना, 15 क्यों मुझे लग नहीं रहा, तुम्हें पता होगा, चलो कौन बताएगा, 3 साल के लिए 15 का कितना आएगा CI, फॉर्मूला तो पता है तुम्हें, मैं लिख देता हूँ फिर भी, ए स्क्वायर 3A² A³, है ना, दो डिजिट यहाँ, ठीक, बताओ, चलो क्यों मैं बता देता हूँ, 15 की वो था 3375, सही है, अब इससे आगे ललिता को बता दो, ललिता बताओ क्यों मैंने बता दिया, 15 का स्क्वायर होता है 225, बस ये बता दो इसमें निकालेंगे कैसे, है ना, क्यों को बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 75 लगेंगे और 33 चलेगा, सारा कैरी है ना, आगे क्या है, ए का स्क्वायर होगा 225, 225 तिया कितना हो गया, 675, 675 कैरी कितना है, 33, तो 675 है ना, 8, 0, 1, 708 आ गया, 7 यहाँ नहीं लिख सकता मैं, 7 कैरी चले जाएगा, 15 तिया 45, 45 और 7, तो अगर कोई पूछेगा तो हमारा ये होगा, है ना, ठीक है, ऐसा आएगा नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल, है ना, लेकिन हम फिर भी सब बालकों से बहुत जल्दी कर देंगे ऐसे निकाल के, जिन्होंने ऐसा पढ़ा है तो वो कर देंगे, जिन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा ट्री मेथड से, क्योंकि सबने बेसिक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलो अब 4 साल का मैक्सिमम पूछता है वो, 4 साल में केवल 2 रट लेने हैं, है ना, 5% और 10% का, ठीक है, 5% का क्या आएगा बताओ, 4 साल के लिए 21.55 और 46 पॉइंट, ठीक है, ये हमें रट लेने हैं, बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए हमें, क्योंकि अक्सर वो 2 साल में ऐसे कहता है, ये इसलिए आ जाते हैं, कब आते हैं ये,
कि दो साल में वो कह देगा अर्धवार्षिक अगर मिले तो इतना कितना आएगा, फिर डिफरेंस क्या आ जाता है, तो चार बार हो जाता है। ऐसे डायरेक्टली चार साल का भी नहीं कहता हुआ है ना, वो एक साल को तोड़ लेता है, हाफ ईयरली कह देता है, या एक साल को भी क्वार्टरली कह देता है ना, कि मेरे एक साल का 40% का रेट है और क्वार्टरली कंपाउंड हो तो वही बात बढ़ गई, फिर हर क्वार्टर का 10% का रेट बढ़ गया, तो मुझे चार साल का पता होना चाहिए 40.41, तो नॉर्मली 40% मिलता, अब मेरे को मिलेगा 40.41, समझ गए। जब हम सवाल करेंगे बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे, है ना, ये दो रट लेना। और ये आए कैसे, एक का बताया था मैं, आए कैसे है ना, आए उसी फॉर्मूले से एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसका निकाल लेते हैं। ये नहीं, तीन वाला भी ऐसे निकाल सकते थे हम, ये फॉर्मूला सब में लग जाएगा, तीन वाला भी आप ऐसे निकाल सकते थे, जैसे उदाहरण के तौर पे दो वाला था है ना, लेकिन उसमें मेहनत बहुत पड़ जाएगी, क्योंकि दो पे जब एक बार निकालोगे तभी पॉइंट में आ गया वो, क्या आया दो का 4.04, अब यहाँ से इसे निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी है ना, इसका दोगुना करो 8.08/100, इन दोनों को ऐड करा क्या आया 6.04, ये क्या आया 0.008, कुछ तो बवाल सा बन गया है ना, तो छोड़ो इसे फिर, जो भी आ रहा हम नहीं कर रहे इसे, ठीक है, आ वैसे भी जाएगा वो, वही आएगा क्या आ रहा है, 12.08 आता है ना, तो आएगा उससे भी ये, ठीक है, करके देखना आराम से आ जाएगा, इसमें करके देखते हैं, देखो तीन साल का पहले 33 पॉइंट वो आ जाएगा, चार साल का निकाल रहे हैं ना हम, 10 का दो साल के लिए क्या आ जाएगा 10x, एक बार फॉर्मूला लगाया तो 21 आ गया, तो मुझे पता है दो साल में 21 मिलता है, ऐसे ही अगले दो साल में 21 मिलेगा है ना, तो दो साल का ये, दो साल का ये, इन दोनों पे x प्लस वाई फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या आया 42 प्लस 441 अपॉन 100, ये क्या आया 4.41, इसमें ऐड करा तो क्या आ गया, अच्छा आ गया वही है ना, कोई पूछा आया कैसे, तो ऐसा आया, लेकिन हमें ये निकालना नहीं है, सीधा याद कर लेना दो, पाँच का याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन हार्ड आया ना तो रेट आपको ऐसे कहेगा, अगर क्वेश्चन हार्ड आया कहेगा साल का है 20% और क्वार्टरली अगर उसे कंपाउंड करें तो ऐसे पूछेगा वो है ना, तो 5% बन जाएगा, ये दो रट लो, क्योंकि जहाँ वो क्वार्टरली कहता है वहाँ चार साल बन जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, और भी कुछ था इसमें, और कुछ होगा क्वेश्चन के साथ बता दूंगा मैं, है ना, चार साल का तीन साल का निकालो ना, 3a² a³, बताओ भाई तीन साल का पूछ रही है 20% पे, 20 का क्यूब क्या होता है 800 बता रहा, 0080 कह रही, 20 का स्क्वायर 400 दिया 1280 आ गया, 80 यहाँ आ जाएगा, 12 ऊपर कैरी आ गया, 20 दिया 60 रुपये 72.8 आ जाएगा, ठीक। हाँ वो ही कह रही है, कोई क्वेश्चन था है ना, अगर इसका चार साल का निकालना होगा कैसे निकालूंगा मैं, उसे दो दो साल में ब्रेक कर लूँगा, तो 20 का दो साल के लिए कितना हो गया 44 इधर से प्लस 88 और इन दोनों को इंटू करके 44 का स्क्वायर भैया 400 कैसे करोगे, 11 का मल्टीपल बना लो, एक काम कर दो, देखो इसे 11 × 11 × 16 लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 671, फिर से 11 से इंटू कर सकता हूँ मैं आसानी से, 63 कैरी, ये 8 और 1 9 है ना, ये आसान हो गया निकालना, समझ गए, 11 से इंटू करना बहुत आसान लगता, 44 का स्क्वायर कर दो, मैं याद है तो सीधा लिख दो, हमें तो याद नहीं था, खैर ठीक, 30 तक के तो स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए, मस्त बढ़िया है ना, इसी बात पे 29 का स्क्वायर कौन बताएगा, आर्यन 29 का, आर्यन देखियो
चलो भाई सबके पास बुक है ना। क्वेश्चन नंबर 120, इसके हम पीछे से सवाल करेंगे सारे, है ना। आज पहला दिन है तो मैं तुम्हें नंबर ऑफ ज़ीरो भी बताऊंगा फिर से, जिसमें लग रहा होगा डेट सम भी बताऊंगा फिर से, है ना, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आने का डेट सम है क्या, फिर वो देख लेगा इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 120 देखो। अ सम ऑफ 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द, सिंपल सवाल है मुझे 18,000 का कुछ नहीं करना, 8% का रेट है ठीक है, साल का 8% का है ना, तो अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है वो ये कह रहा है, अर्धवार्षिक रेट नहीं दे रखा, रेट 8% का ही है पर एनम ठीक है, लेकिन कंपाउंड हर उसमें 6 महीने में हो रहा है, तो 4 4 ये 6 महीने का, ये 6 महीने का कितने महीने बचे, अब 4 महीने बचे, 4 महीने का रेट क्या आएगा यहाँ से, जब 12 महीने का रेट 8 है तो 1 महीना क्या आया 8/12 और 4 महीने क्या आया ये 8/3 आ गया ठीक। सिंपल सा मुझसे ये पूछा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली कह रहा है निकाल के बताओ, निकालो ये क्या है बताओ भाई आर्यन, किसका आया जल्दी बताओ, कैडी क्यों हो रही है, हाँ तो लगा नौ दस ग्यारह बारह है ऑप्शन, है ना बहुत पास में है तो, और ऊपर से अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। देखो इन दोनों को उठा लो, पहले 2 साल का आएगा 8.16 प्लस 8.3 है ना, प्लस इन दोनों को इंटू करके, या इन दोनों को उठा लो पहले क्या आसान पड़ेगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, 8.16 इंटू 8/3/100 ठीक, ये कितना आ गया लगभग 8/3 मतलब 2.66 इसमें जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 1 है ना 7 आ रहा है 8 आ रहा है 10.8 आ रहा है 10.8 से तो बड़ा है, ऑप्शन देखना है ना 11/12। अब ये चेक कर लेता हूँ क्या ये 1 से ऊपर आ रहा है, ये कितना आएगा भाई अगर इस पॉइंट को हटा दूँ एक बार को, और ये मुझे पता है कितना है 2.6 लगभग 2.5 है ना, तो कितना आएगा 8 × 2 = 16 और ये लगभग 20 ही आ जाएगा, तो 0.2 के आसपास आएगा ये, 1 से ऊपर तो जाने का नहीं 0.2 ही आएगा, तो 0.2 के आसपास क्या आएगा 11, समझ गए कैसे 8.16 था, 8.16 का मैंने 0.16 हटा दिया, इससे तो नेग्लिजिबल सी वैल्यू आएगी है ना, 8/3 क्या होता है 2.66 लगभग 2.5% 2.5 गुना है ना, तो 8 का 2.5 गुना क्या आएगा, 2.5 गुना क्या होता है 5/2 तो 4 × 5 = 20 20 आ गया, और 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.2 आ जाएगा, तो लगभग 0.2 नहीं आ रहा होगा, तो मैंने जो हटाया तो 0.2 आ रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2.3 आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं आने का ना 1.2 तो नहीं चल जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ हटाया नहीं मैंने, तो इसमें लगभग 0.2 है जोड़ दूंगा तो क्या आ रहा है 11 point something आ रहा है लगभग, है ना आंसर क्या हो गया हमारा 11, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 11 आंसर आ गया हमारा, है ना ठीक है भाई। चलो हमें आंसर निकालना नहीं है, हमें आंसर केवल पहचानना है ठीक है, यूपीएससी की जो मैथ आती है उसमें आंसर निकालना तो बहुत डिस्क्रिप्टिव आता है,
वहाँ तो पूरा एक वहाँ जैसे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, जैसे हम ट्वेल्थ में करते थे वैसे ही करना होता है। लेट इट बी एक्स, फिर जो हमने अगर कुछ स्टेप लिखा तो ब्रैकेट में बताना है क्यों लिखा है हमने, है ना, बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऐसे। हाँ तो बिल्कुल जैसे हम ट्वेल्थ में करते थे वैसे करना होता है उसमें। और यहाँ पे हमसे कोई सोल्यूशन नहीं मांग रहा, तो आंसर अगर तुम्हें ओरली देख के पता चल जा रहा है मैं छोड़ दूँ उसे फिर। चलो 119 वाला देखो, अट्ठाईस हज़ार 500 बोरो करे उसने, है ना, 8% के इंटरेस्ट पे सालाना ही कंपाउंड हो रहा है, और उसने इतना पे कर दिया। सेकंड ईयर में उसे कितना पे करना है ये पूछ रहा है वो, बताओ भाई। एक बार मैं बता चुका हूँ और तुम पे फिर भी नहीं हुआ तो हाँ बताओ। कैलकुलेशन टफ लग रही होगी, चलो मैं भी करवाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। तुम्हें पिछली बार भी कर चुके हो ट्राई। ये कह रहा है उसने 28,500 रुपये लिए, ठीक है, कितना का रेट था 8% पर एनम का। इसने पहले साल के एंड में 5,780 रुपये दे दिए, तो सेकंड ईयर के बाद में कितना रुपये बचा होगा जो उसे देना है अभी, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस पर 8% पहले साल में 8% का ब्याज मिला होगा उसे, तो अमाउंट 8% क्या आएगा इसका, कौन बताएगा? 2280 आ रहा है, 10% में से 2% हटा दो, है ना, या फिर सीधा इसे 8 सेंट कर लो, 1% निकाल के 285 को 8 सेंट कर लो, है ना, क्या आ जाएगा 40 8 64 8, अरे रुक जा, 64 6 16 और 2280, है ना, 2280 आ गया। तो पहले साल में उसे 2280 का इंटरेस्ट मिला होगा, टोटल अमाउंट उसका हो गया होगा इतना, है ना, कि ये तो उसका अमाउंट था ही प्लस इतना इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन इसमें से उसने माइनस कर दिया कितना, ये प्रिंसिपल था, इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, अब इतना हो गया दोनों को मिला के, जिसमें से उसने इतना पे कर दिया कितना, 55 कितना था, 55 80 पे कर दिया, 57 80 पे कर दिया। तो ये नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करना है, माइनस ये कर देना है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है 80, ये घट जाएगा आराम से, है ना, कितना आया बताओ, ये 25,000 आ गया, समझ गया, इसमें से ये घटाओ, घटाओ नहीं ये ऐड करो और ये घटा दो, ठीक है भाई। इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा ये क्या आएगा, 0 0 5 3, ठीक, ये नेगेटिव 3500, इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2500 25,000, 28,500 में से अगर 3500 माइनस कर दूंगा तो 25,000 आ जाएगा, समझ गए। तो मुझे 25,000 पे करना था, है ना, फर्स्ट ईयर 25,000 मैंने बचाया हुआ अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद, लेकिन अगले साल मेरे को फिर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 8%, 8% मतलब 8 2 0 कट गई, इसे इंटू कर लो 25,800 है, 2,000 आ गया, तो 2,000 ये प्लस 25,000 मूलधन था मेरा, तो 27,000 से पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन है ना, इसमें हम डेट से लगा सकते हैं ना कुछ, है ना, ठीक है। चलो 3500 ऐसा आया ना, मैंने ये दोनों घटा दिए, ये दोनों ऐड थे माइनस ये था, इन दोनों को घटाया, पहले तो बड़ा कौन सा ये, तो मैं बड़े वाले का साइन आता है माइनस, और इसमें से ये घटाया तो 0 में 0 गए, 8 में से 8 गए, 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 2 गए 3। अब ये नेगेटिव में तो ये और घटाना है उसमें से अभी, ठीक है, 0 में 0 गया, 0 में 0, हाँ तो मैंने जोड़ा नहीं ना, अभी मुझे दिख रहा था ये कट रही, आराम से कैलकुलेशन हो रही थी यहाँ पे, है ना। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 118 देखो,
क्वेश्चन नंबर 118 देखो वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी है, सिर्फ डरा रहा है और कुछ है नहीं इसमें, है ना। बताओ सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो गया तो 118 का किस किस का आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है 8% का, 2 साल का टेन्योर है तो 8 × 2 = 16, टोटल 16% का इंटरेस्ट मिला हुआ उसे, है ना। अगर उसकी अमाउंट x थी, ठीक है, 16% का इंटरेस्ट मिला होगा तो अब अमाउंट कितना हो गया, 116 है ना, तो 116 / 2200 इतना अमाउंट हो गया होगा, ठीक है। पहले 100 था तो अब 116 हो गया इंटरेस्ट लगा के 16% का, जिसका अमाउंट कितना दे रखा है बताना, 1 9 1 8 1 8 6 4 यही है। अब हमें ये बताना है, क्या बताना है, हमें ये बताना है हमारा प्रिंसिपल क्या था। हाँ 100% है, नहीं एक्स बताना है, ठीक। अब इसमें देखो या तो मैं डिजिट सम लगा लूँ, है ना, डिजिट सम के लिए मुझे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, दो मैच ना हो रहे हूँ, या फिर सिंपल सा मुझे दिख रहा है, देखो इसमें नीचे 2 जीरो हैं, है ना, ये 2 जीरो और यहाँ पे कोई जीरो है नहीं, ना पॉइंट में है, ठीक है। अगर 2 जीरो तो कायदे में 2 पॉइंट आने चाहिए थे यहाँ पे, है ना, लेकिन पॉइंट में नहीं, इसका मतलब ये जीरो कट गई होंगी, कटिंग कैसे, इसकी वजह से तो कट नहीं रही। अब इसके पास या तो 2 जीरो खुद वैसी हों या 2 5 हो, क्योंकि 2 4 तो है इधर, तब भी जीरो बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो या 5 ऐसा आ रहा हो। पहला ऑप्शन है देखो, पहला दो उसमें पहले ऑप्शन में लास्ट में 20 है ना, तो लास्ट में एक ही जीरो बनी, क्योंकि 2 से 6 करूँगा तो जीरो आने की नहीं। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 40, इसमें भी सेम सीन है, एक ही जीरो बनेगी, 4 से 6 को इंटू करूँगा जीरो बनेगी नहीं, तब भी पॉइंट में आना चाहिए था आंसर। उसके बाद सी कौन सा, 92, इस पर तो एक भी जीरो नहीं है। डी ऑप्शन देखो यही बचा, यही होगा, इसमें क्या है 400, इसके पास 2 जीरो हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं, तीसरी तो नहीं थी इसके पास, 4 से 6 इंटू करूँगा कोई जीरो नहीं बन रही, 2 ही जीरो थी, 2 ही जीरो कट गई, तो आंसर यही है, डी है ना, ठीक है भाई। वरना इसमें डिजिट सम लगा लो, 116 है ऐसे, 100% 100 का तो मतलब ही नहीं होता, 100 तो वैसे ही हटा लो, नीचे आ गया 8 ऊपर भेजना पड़ेगा, ऊपर 8 से इंटू करना पड़ेगा, है ना, नीचे भेजने, अगर देखो नीचे आते क्या क्या आते हैं बताओ, 4 7 8 और क्या आ सकता है नीचे, 2 और 5, अगर 3 6 9 है तो ये तो हमें काटने पड़ेंगे नंबर, लेकिन अगर इन्हें मेरे को ऊपर भेजना है तो इन दोनों का तो उल्टा हो जाएगा, अगर नीचे 4 है तो 7 से इंटू कर लूँगा, क्योंकि ठीक है 8 से 8 से इंटू करना पड़ेगा, इन दोनों का उल्टा हो गया, है ना, अगर नीचे 2 है तो ऊपर 5 से इंटू कर लो, ऊपर नीचे, है ना, तो अब ऊपर वाले को नीचे क्यों ला रहा है, तो हाँ नीचे वाले को हटाना करते, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं होती हमें, हम डेढ़ सब में डिवाइड नहीं करते हैं, तो ऊपर से ऊपर अगर 2 से नीचे क्यों लाएंगे हम, मतलब अगर नीचे 2 ये बताया तो अभी क्या, 2 5 4 7 8 है तो ये मुझे ऊपर भेजने पड़ेंगे सारे, ऊपर में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, लेकिन डेढ़ सब में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो डिवाइड बचाने के लिए मैं उसे मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ। जैसे यहाँ पे 8 आया, 8 से इंटू कर दिया मैंने, ऊपर नीचे दोनों जगह इंटू करा है, ऐसे थोड़ा ना एक जगह इंटू कर दिया मैंने, तभी तो कटेगा, इससे ये कट गया वापस वही आ गया, लेकिन ये क्या बना 8 8 64, ये क्या बन गया 6 और 4 1, समझ गए, तो ये मैंने नीचे 8 से इसलिए इंटू करा, नीचे आ गया 1, एक समय दिक्कत नहीं होती। हाँ 2 और 5 से भी देख, 2 अगर नीचे 2 आ गया तो इसे मैं नीचे 5 इसे 10 इसे 1 बनाऊंगा, 1 कैसे बनाऊंगा, इंटू 5 करके 10 हो जाएगा ये, फिर वह 1 बन गया,
तो ऐसे ही अगर नीचे इंटू करना तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो नीचे वाला तो एक हो गया, नीचे वाला गायब हो गया, ऊपर पाँच हो गया। ठीक है, मतलब ऐसी सात और उसमें है, चार और सात में है, चार और सात में 28 आता है, दस आ गया, एक आ गया, है ना। ठीक है, और कहीं जीरो नंबर ऑफ डेढ़ सम लग रहा होगा, फिर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या आया था हमारा, मैंने तो मिटा भी दिया, आठ ऊपर इंटू करा था, और नंबर क्या था वो हमारा 191 नीचे आठ से इंटू कर दिया था ऊपर, है ना, नौ हट गया, ये नौ हट गया, यहाँ से एक बचा और ये दो, दो अट्ठे 16 है, डेढ़ सम आया सात। कौन से ऑप्शन में डेढ़ सम सात है बताओ, ऑप्शन डी में ना, ऑप्शन डी में देखो पाँच और चार हट गया, केवल छः प्लस एक सात आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी में आ रहा है बस सात। ठीक है, तो ना डेढ़ सम हम बाद में लगाएंगे, जहाँ पे नंबर जीरो लग रहा है या अप्रोक्सीमेशन लग रहा है ना, हम उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 117। यदि किसी राशि पर पीछे के सारे सवाल करेंगे हम, है ना, लास्ट के अच्छे सवाल में। 9450 है तो उसी दर से दो वर्ष के लिए बताओ भाई, आसान सा तो है, कौन बताएगा। डेढ़ सम बिल्कुल लगेगा, लेकिन डेढ़ सम लगाने से पहले ना ऑप्शन चेक कर लेकर, ऑप्शन में मैच ना कर रहा हो। डेढ़ सम में सबसे पहले एक काम करे करो, ऑप्शन में चेक कर ले करो, अगर सारे ऑप्शन में डेढ़ सम अलग है तो ही लगाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ 118। क्या डेढ़ सम एकमात्र, डेढ़ सम ही एकमात्र तरीका है? सबसे बेस्ट तरीका होता है पता कौन सा, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भैया, एग्जैक्ट ना निकाल के अप्रोक्सीमेटली निकाल लो। चलो मैं बताता हूँ, 3% का वो 7% के रेट से 3 साल का 21%, कुल मिला के इसने 21% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 94 5 0। निकालने की इसकी है मेरे को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, यस ऐसा ही निकालना है, पहले ऐसा ही निकालना है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 साल का 7% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ बताना, 2 साल के लिए 7% रेट है, तो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए पूछ रहा है वो, 2 साल के लिए CI कितना होगा, 14.4, हाँ CI, हाँ 14.49, वो CI निकालने के लिए कह रहा है कि 21% की वैल्यू ये हो गई, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है। देखो भाई इधर देखो, तुम फिर भूल गए, मैंने पिछली बार ही बताया था तुम्हें, 15 क्यों मान लूँ, 15 से क्या फ़ायदा होगा, मुझे पता है 14 मान लूँगा तो 2/3 हो गया, 15 मान के क्या करेगा, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट के फिर क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे 7 आएगा, 7 से 5 से इंटू करेगा, फिर 7 से वो करेगा डिवाइड, या इसका 2/3 निकालना आसान है, मुझे पता है 1/3 क्या आएगा इसका। वैसे ऑप्शन क्या क्या है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, जब मुझे पता है 2/3 है तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, इससे छोटी वैल्यू एक ही ऑप्शन में है ना, 9 का 2/3 क्या होता है, 6 ही तो होता है, तो 6 समथिंग आ रहा होगा, 6 समथिंग कौन सा ऑप्शन में, छोड़ दी ना मैंने, इग्नोर कर दी, एक ही बात है, सबसे पहले तो 6 ही आएगा ना, बाद में फिर कुछ आएगा, तो 6 समथिंग आएगा। ठीक, 2/450 का 2/3 क्या आएगा, 450 का 150, तो 300, तो 6300 कुछ आ रहा है लगभग। ठीक है,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है सबसे पास? 6500। देखते ही बस चले गया था वैसे कि 2/3 मतलब वैल्यू छोटी होगी यहाँ से, अभी 9000 से छोटी वैल्यू एक ही है, ऑप्शन बी। ठीक, तो क्या आंसर निकालना नहीं है, पहचानना। हाँ याद रखना है ना, प्रैक्टिस करो। जब तक तुम ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बेसिक से वही एग्जैक्ट वैल्यू निकालते रहोगे। ठीक है भाई, बहुत वैकेंसी आ रही है अभी, कल मैं अभी ऐसा तो बता रहा था, मैं 84,000 वैकेंसी आ रही गई है जीडी में, और मैथ रीजनिंग का ही खेला उसमें। हाँ शायद, हाँ तो 84,000 सब चले जाएंगे, जो भी पढ़ रहा है ना, जो भी ठीक ठाक पढ़ रहा है, जो सीरियसली पढ़ रहा है ना, वो चले जाएगा पक्का। इतनी वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हैं जीडी में। तो तुम्हारा तो बिल्कुल यही हो गया, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैथ्स हम कम पढ़ें तो तुम्हारे जीडी का भी तो आएगा, मैथ्स रीजनिंग का 50% हो गया, तीसरा हिंदी है, तीन सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्शन दिला देंगे, वही सिलेक्शन दिला देंगे तुम्हें इसमें, किसमें? कॉन्स्टेबल वाले में। ठीक है, एक बार कॉन्स्टेबल में जीके का वेटेज ज़्यादा हो गया, वहाँ पर तो और भी कम हो गया जीडी में। कमांड तुम्हें बढ़ानी है मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि हर एग्जाम में 50% का वेटेज लेके बैठे हैं ये, तुम्हारे कॉन्स्टेबल में 50% है। ठीक है, और यही यही स्पीड बढ़ाने का काम होता है, हिंदी में स्पीड बढ़ाना है कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो बस उसे तो। लेकिन मैथ रीजनिंग में उसका अंतर आया था, स्पीड भी काफ़ी है ना, तो मैं आने से स्पीड चाहिए। और सीजीएल करवा रहा है, एमटीएस का पेपर जो था ना, सीजीएल से कैडे कैडे सवाल थे सारे उसके। ठीक है, एमटीएस के, एमटीएस के बहुत कम कट ऑफ हुई थी। इस बार का नहीं, मैं पिछले बार कह रहा हूँ, इस बार हो गया कोई जिसमें उसने दिया था बढ़ाना ने, इस बार का नहीं पता। ऐसा पेपर दिया था जैसे सीजीएल के मेंस में सवाल आते हैं। हाँ ठीक है, सुशील बता रहा था, उसने भी दे दिया था ना, वो बहुत तगड़ा पूछा था उन्होंने, मैथ रीजनिंग ऐसे पूछे थे, मैथ रीजनिंग कमांड कर लो हर जगह काम आएगा। चलो इस बार की पता नहीं कितने बगे, चलो 116 वाला सवाल देखो, 116 करो भाई, बताओ जल्दी से बताओ, पक्का? ऑप्शन नंबर 116 क्या है? ए कैसे करा आ रही है ना, करा कैसे 4-0? तो ठीक है, 2 साल का मेरे को एस आई कितना मिलेगा, ओ सी आई कितना मिलेगा? 6 पहले 6 बाद में, तो 12, और इन दोनों का स्क्वायर 36 बराबर कितना दे रखा है? 15:45। मतलब एक्स का अगर मैं इतना भाग निकाल दूंगा, और 2-0 ये भी आ गई, तो ये आना चाहिए मेरा, है ना, ये तो कहना चाह रहा है वो। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4-0 आ रही है? 2% है ना, परसेंट 12% निकालना है, 12.36% निकालना है, 12 पॉइंट मैंने जब परसेंट लिखा था 100 उसकी आ गई, 12.36% निकालना है, परसेंट मतलब 100 निकालना है, फिर पॉइंट हटाया तो 2-0 और आ गई, 4-0 हो गई ना, 2-0 परसेंट की है, 2-0 परसेंट की है, और 2-0 इसकी हैं जो पॉइंट आ रहा है ना, तो 4-0 आने चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 3-5 हों, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ डेढ़ सम लगाओ, डेढ़ सम लगा के देखो, चलो नंबर ऑफ जीरो से बताया था हम पहले, है ना, इस सवाल को दोनों तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ जीरो से और उससे भी, है ना। पहले नंबर ऑफ जीरो से देखो, 4-0 होने चाहिए उसके पास, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकते 3-5 हो उसके पास, 1-0 हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना,
हाँ इधर दो देखने पड़ेंगे, तीन दो है नहीं है ना। चलो पहला ऑप्शन देखो 12500, दो जीरो तो इसके पास है ही, और पीछे क्या आ रहा है 25। अब एक बात देखो, अगर पीछे पाँच या जीरो होता है, पाँच जीरो तो वैसे ही आ गया, तो उसके पास एक पाँच है, अगर एक पाँच है मतलब है ना, जीरो में तो है ही और वैसे पता है मैं ना, जीरो में तो वैसे ही बन गया। अगर किसी के नंबर लास्ट में पाँच आ रहा है तो उसके पास एक पाँच है, किसी के पास अगर 25 के फैक्टर है, 25 50 75 है ना 00, तो इसके पास दो पाँच हैं, ठीक है। कोई अगर 70 होगा 50 होगा तो दो पाँच है, हाँ उसके उसके पास दो पाँच है, क्योंकि ये 25 से कट रहा है ना, ये भी 25 से कट रहा है, 25 दूने ये 25 दिया, ये 25 चौके है ना, दो पाँच है, क्योंकि पाँच पाँच दो है ना उसमें 25 में, तो दो पाँच कट गए। जो अगर 625 से इसके बाद नहीं 125 आएगा ना, 25 दिया 25 का क्यों क्या होता है 125 होता है ना, 25 का क्यों 125, जो एक 25 पंजे कहना चाह रहा हूँ मैं, 25 पाँच का क्यूब है ना, पाँच का क्यूब 125, जो इससे डिवाइड हो रहा होगा उसके पास तीन पाँच होंगे, समझ गए। तो इसमें मेरे को चेक करना है, मुझे तो केवल दो वो चाहिए, वैसे इसके पास तीन पाँच हैं, इसके पास देखो है ना, पाँच का क्यूब है ये 125, तीन पाँच है तो तीन पाँच, ये तीन जीरो बनाएंगे अगर वहाँ तीन दो होंगे, तो तीन दो कब होंगे, जब वो आठ से डिवाइड हो रहा होगा, क्या वो आठ से डिवाइड हो रहा है, कौन से ये वाला ये आठ से डिवाइड नहीं हो रहा होगा ये, ठीक है, वरना जीरो ज़्यादा बन जाएगी हमारी, नहीं हो रहा ना, 400 हो रहा है, चार है ना 36, और चार से कैसे चेक करते हैं लास्ट के, आठ से कैसे चेक करते हैं लास्ट के, तीन डिजिट चेक कर लो, तो आठ से चेक हो रहा था वो डिवाइड हो रहा था, नहीं हो रहा, चार से हो रहा है, तो केवल दो दो हैं इसके पास, पांच तो मेरे पास तीन थे लेकिन दो मेरे पास दो ही रह गए, तो जो नंबर जिसका कम होगा उतना ही जीरो बनेंगे, तो दो ही दो पाँच दो जीरो बनेंगे मेरी पाँच से है ना, और दो जीरो उसके पास पहले से थी, तो चार जीरो हो गई, आगे समझ में, पाँच उसके पास तीन थे लेकिन तीन जीरो नहीं बने हैं, क्योंकि साथ मुझे तीन दो भी चाहिए। अगर किसी उसने बताओ भाई मेरे पास 50 जीरो हैं और 24 दो हैं तो कितने जीरो बनेंगे, पचास मेरे पास पाँच हैं, एक नंबर ऐसा लिखा जिसके पास 50 पाँच, हाँ दो पाँच नहीं हो गया, आप गलत, मैं 50 नंबर नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं चलो आसान से और छोटा लिखता हूँ, किसी के पास 17 तो पाँच है, उस नंबर के अंदर 17 पाँच हैं, हैं उस नंबर के अंदर, नंबर तो बहुत बड़ा है करोड़ों अरबों में है ना, और दूसरे नंबर के पास 8 जीरो हैं, वो 8 दो हैं, ठीक है, तो कितने जीरो बनेंगे, 17 पाँच है लेकिन इसके पास, लेकिन जो बाकी पाँच है वो जीरो तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, जो भी मिनिमम होगा उतने जीरो बनेंगे, अगर पाँच कम है तो उतने जीरो बनेंगे, अगर दो कम है तो उतने जीरो बनेंगे, ठीक है, इसमें से 8 5 दो के साथ मिलके जीरो बना देंगे, लेकिन बचे हुए कितने, 9 9 5 के लिए पास दो नहीं है तो जीरो नहीं बना पाएंगे, जीरो क्यों बनेंगे, 8 नहीं बनेंगे, ये 8 नंबर नहीं है, ये उस नंबर के अंदर 8 दो हैं, ठीक है, ये ऐसी 50 में वो सोचते थे कि 50 में दो पाँच हो गई है ना, आगे नंबर ऑफ जीरो वाला है ना, और कोई आज सवाल आएंगे फिर करेंगे है ना, डेढ़ सौ लगा देखो इसमें, चलो 12.36% इतना है ना, परसेंट का डेढ़ सौ में कोई मतलब नहीं होता और पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं होता है ना, परसेंट भी नहीं लिखा मैंने क्योंकि एक आएगा 100 का है ना, और ये पॉइंट भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे आ गया, तीन बन रहा है, हाँ 12 आ रहा है ना, तो पहले तीन काटो भैया, 4 1 2 5 1 5 ये आ रहा है, अब कितना आ रहा है 7, अब कर सकता हूँ मैं, तो 512 पॉइंट नीचे कितना आ रहा है, ये 412, इसका डेढ़ सौ कितना है 7, इस 7 को मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा, वो कैसे भेजूँगा, इसका काउंटर 4 है ना, 7 और 4 2 और 5 और 8 को 8 से, ठीक है, तो 7 को ऊपर भेजने के लिए 4 से, नीचे तो 1 आ जाएगा तो नीचे हटेगा सब, ये क्या आया 2, क्यों है ना 4 2 8, जिस ऑप्शन का डेढ़ सौ 8 आ रहा होगा
है ना, ऑप्शन ए का क्या आ रहा है, 5 प्लस 2 प्लस 1 8 आ गया ना। एक से 100 तक के बीच में कितनी जीरो होंगे बता, कोई सा भी नंबर पूछ रहा है ना, ये बाद में बताऊंगा, पहले सवाल कर लेते हैं है ना, वीडियो लंबी हो जाती है बिना बात के, याद रखे बाद में करेंगे। देख दो होते हैं, एक तो 19 और 20 आते हैं, मेरे को आंसर भी याद है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे नंबर अगर वो पूछता कितने नंबर होंगे जिसके पास 5 है तो वो अलग आएगा, ऐसे पूछता कितनी 5 है तो शायद वो 20 होती है, और कितने नंबर होते हैं वो 19 होता, समझ रहे, जैसे 55 आ गया, नंबर तो एक ही है लेकिन 5 दो है उसके पास, तो एक नंबर शॉर्ट हो जाता है। एंड में बताऊंगा है ना, ये इसके सी आई खत्म होने दे वरना। चलो 115 कितना टाइम हो गया, 115 वाला देखो, 10.5 हो गए, 115 वाला देखो, 24,000 अमाउंट है ना, 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन पहले साल 8%, दूसरे साल 10%, 260 ईयर्स, बताओ भाई कौन बताएगा, पहले इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 18.8 है ना, आगे बताओ, बताओ सिंपल सवाल है, पहले साल 10 दूसरे साल 8, या पहले साल 8 था दूसरे साल 10 था, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क पड़ता है अंशु, पहले साल मेरे को अगर 10 मिल रहा है, दूसरे साल अगर 8% मिल रहा है ना सेकंड ईयर में, अगर पहले साल 8 मिले और दूसरे साल 10 मिले, चेंज है कुछ, सेम ऐसे सवाल बनता है, सेम ऐसे सवाल बनता है डिस्काउंट में, जब तुम्हें कोई वो दे रहा है डिस्काउंट, वो तुझसे कह रहा है या तो 50 प्लस 20 का डिस्काउंट ले ले, या 20 प्लस 50 का डिस्काउंट ले ले, तो कौन से में तेरे को फ़ायदा है, कि पहले 50% डिस्काउंट ले फिर 20% डिस्काउंट ले, या फिर पहले 20% डिस्काउंट ले फिर 50% डिस्काउंट ले, किस में फ़ायदा है, ऐसी सेम सवाल इसमें है कि 10 8 या 8 10 में कुछ अंतर है, सेम वही तो बात हो गई, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 70 आएगा, ठीक है, हाँ अलग अलग पड़ता है, कहने को ये 70 है और एक जगह 70 दे दे, वहाँ इफेक्ट पड़ेगा एक्स वाई बाई 100 का, क्योंकि ये कुल इफेक्ट कितना आया, 70 माइनस दोनों इंटू करके क्या आएगा 10, तो ये 60% का डिस्काउंट है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हें 10% का लॉस हो गया अगर तुम्हें उसने ऐसे दिया 50 प्लस 20 का, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 माइनस 10 60, ऐसी पहले साल अगर मेरे को 10 मिल रहा है या 8 मिल रहा है तब भी वो 18.8 आएगा, और अभी 18.8 आएगा, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता पहले क्या मिल रहा था बाद में क्या मिल रहा, ठीक है, सिंपल सा बेसिक सवाल ऐसे पूछ देना वो, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, स्टेटमेंट में दे देना ऐसी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मीडियन वाला आया था तुम्हारे उसमें, तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला था कि क्या तुम्हें मीडियन पता है या फॉर्मूला रट के बैठे हो बस, ये दोनों बराबर हैं, वो कह रहा है 20 प्लस 50 का डिस्काउंट ले लो या 50 प्लस 20 का ले लो, दोनों एक ही बात, तुझे कुल मिला के 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर वो 30% डिस्काउंट कह दे या फिर 70% का दिया ना उसने दिखाने को 50 प्लस 20 70, या तीसरा कह दे कि 70% का डिस्काउंट ले लो, इन तीनों में से कोई सा ले लो, तब इसमें फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ तो मैं 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 70 का नहीं मिल रहा था, यहाँ 60 का मिल रहा था दोनों में, ठीक है, वो दिखने में ऐसा लग रहा है कुछ बंदे देते हैं 50 प्लस 50 का डिस्काउंट, नहीं देगा लोगों लगता है 100% डिस्काउंट,
लेकिन ये 100% का डिस्काउंट देनी है, कितना हुआ 100 माइनस कितना आएगा 25 आएगा, 75% का डिस्काउंट है। अगर सीधा कहता 75% का डिस्काउंट ले लो तो तुम्हें लगता है छोड़ो, है ना, 50 प्लस 50 100, तब तुम्हें ऐसा लगेगा 50 प्लस 50 100% का डिस्काउंट मिल रहा है, मैं तो चलो दुकान पे, है ना। कई बार डिस्काउंट ऊपर बैठ जाता है, 50 प्लस 60 का दे दिया 110 का, ऊपर से पैसे देगा तुम्हें वो। 110% का डिस्काउंट मतलब क्या है, 10% और रिटर्न, हाँ उल्टा वापस देगा ना वो। चलो सवाल आ गया ना समझ में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमें क्या निकालना है, 18.8, ठीक है, किसका, 24,000 का, सिंपल सा है। कैसे करोगे, इसका परसेंट निकालना है ना, 3% में पहले 2 जीरो आ गई थी, 1 जीरो आ गई, 3 जीरो तो कट गई, 8 चौक 32, सिंपल सा है। इसने देख, जैसे इस आर्यन ने करा लास्ट में देख ली, 2 बनेगा, एक ही ऑप्शन में 2 बन रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट सा हो गया यहाँ पे। अगर बाई चांस 2 में 2 ऑप्शन होती फिर डिजिट सम लगा लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर डिजिट सम लगा लेते कितना आता, 6, 3 का मल्टीपल आ रहा है ना, 3 जिसमें 3 का मल्टीपल होगा ना। चलो आगे देखो, 114 240,000 इज टेकन एज ए लोन फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 12.5% है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट, जैसा हमने वो वाला करा था ना पहले, उस तरीके का हो गया ये, बताओ। चलो दो लाख चालीस टेकन एज फॉर 3 ईयर, केवल पहले पर साल का चेंज करा है उसने, हाँ केवल पहले साल का 12 करा है उसने, बाकी सेम रहेगा। क्या तो रहा है वो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज, अच्छा केवल पहले साल 12.5% रहा, उसके बाद उसने रेट रिवाइज कर दिया, 12% कर दिया, तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए रेट 12% है, ठीक। साल के एंड में करा है ना, तो इस एक साल तक तो 12.5% का रेट रह गया, 12-12 हो गया ना, तो बताओ कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है वो। बता लिख कर फिर, और बता इजी पड़ेगा था, ये लास्ट सवाल करते हैं, बहुत बड़े सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है ना, सिंपल सी लैंग्वेज है, सबको पता क्या करना है। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले, अगर तो निकाल पा रहा है तो डेढ़ समझ अभी तो लगाया, जब तो एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करेगा। आ गया कितना आया, ऑप्शन नंबर 114 का ऑप्शन सी, मेरा 33,000, मैंने तो 40 मांग लिया उसको, फिर 6,000 ये था, और यानी मैंने अभी पॉइंट 0.4928 छोड़ा हुआ था, थोड़ा सा और ज्यादा आएगा इसी ऑप्शन, और क्योंकि बात है आपको इससे नीचे नहीं चाहिए। देखो अभी पहले साल 12.5% का रेट, फिर 12 का, फिर 12 का, ये बताया हमें, अब मुझे इफेक्टिव 3 साल का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, वो जब होता है जब सेम रेट होता है,
इसमें क्या करना है, इसमें उठा के एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना, 3 साल का इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ठीक, एक काम करते हैं, इन दोनों कितना आएगा, 12 मान लो, 12 मान लो। देखो देखो, ऐसे भी सिंपल सा जैसा हम सो कर रही है ना, 12 मान लिया, 0.5 छोड़ दिया मैंने एक बार का, तो 12 का फॉर्मूले से निकाल लो, 3a.3a² a की क्यूब क्या आएगा, 12 का क्यूब कितना होता है पता था तुम्हें, तो ही निकाल पाओगे वरना निकाल भी नहीं पाओगे। 12 का स्क्वायर 144, 144 दिया कितना आया, यहाँ 49 कैरी, 4 कैरी, 12 दिया 36 और ये 40, 40.49 आ रहा है लगभग, है ना। अब मुझे पता है मैंने 0.5 छोड़ा था, 0.5 वापस जोड़ दूंगा इसमें, तो उसमें CI तो मिल रहा होगा, 0.5 तो इंटरेस्ट था ही, तो मैं काम करता हूँ 0.5 जोड़ लेता हूँ उसे वापस, तो ये हो गया 41%, है ना। ये भी 40.5 है अप्रोक्सीमेटली, है ना, 4.49 है तो 85 हो गया, है ना, तो 41% हो गया। तो 40% क्या होता है, 2/5 उसका, प्लस 1% और जोड़ दूंगा उसमें, क्या था ऑप्शन वैल्यू क्या थी, 2.40, 2,40,000 आ रहा है ना, 40% क्या आएगा इसका बताओ, 96,000, 1% क्या आएगा इसका, 2400 जोड़ दो वापस इसमें जोड़ दो, क्या आया एग्जैक्ट ही आएगा, जब हमने पूरा एग्जैक्ट ही निकाला लगभग, हमने क्या छोड़ा है वहाँ पे, 0.5 कहाँ छोड़ा है, 0.5 तो छोड़ दिया मैंने, वापस नहीं छोड़ दिया मैंने 0.5, 40.5 आया था, मैंने 41 कर दिया उसे, 0.5 वापस नहीं छोड़ दिया मैंने, तो क्या मिस हुआ, थोड़ा अंतर क्यों आ रहा है हमारा, तो ये तो नेग्लिजिबल सा हुआ ना, 0.0 मैंने क्या छोड़ा है, 0.00 कुछ छोड़ा है मैंने, तो फिर भी अंतर क्यों आ रहा है, अंतर यू आ रहा है क्योंकि ये जो 0.5 था ना, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, तो ये 0.5 नहीं रह जाएगा, बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए, लगभग 25% बढ़ जाएगा ये। ठीक है, जो थोड़ा बहुत अंतर आ हुआ इसलिए आ रहा है, बाकी एग्जैक्ट सा निकला एकदम हमारा, है ना, ऐसे सीधा ऐसे निकाल लो, वरना देखो ऐसे मिटाता देता हूँ इसे मैं ना। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्यूब याद होना चाहिए, है ना, अगर क्यूब याद नहीं होगा तो फिर पहले क्यूब निकालोगे फिर तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या, फिर करने का फ़ायदा नहीं, क्यूब निकालने में इतना टाइम लगा दोगे तुम। देखो ये क्या है, ये हो जाएगा 24 + 1.44 कितना आ गया, 25.44, ये क्या 12.5, 12 + 25 = 37 और ये 0.44 है, तो ये लगभग वही हो गया, एक ही बन गया पूरा, है ना, तो कितना हो गया ये 38 हो गया, 38 12 + 25 = 38 ही तो होगा, 37 + 37 = 1 = 38 लगभग 38 बन गया ये, है ना, मामूली सा कम था, 0.04 ऐसी कुछ कम था, है ना, लगभग 0.06 है ना, तो ये मैंने 38 ही मान लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ना कुछ भी। उसके बाद मेरे को इसके साथ करना है, एक कहाँ गया 25.44, इसका क्या है, इन दोनों को इंटू करके लिखना है, है ना, ये होता है ना x प्लस वाई, वो मैंने कर दिया इंटू, इन दोनों को इंटू करके अपॉन 100, तो एक काम करता हूँ 0.5 हटा लिया, 0.44 हटा लिया, ये पता है मैं बता रखा है तुम्हें, 12 में जितने 3 है ना, कितने 4 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, तो 2 0 लगा दो, 300 आ गया, है ना, 300 से 3 से डिवाइड 3 आ गया, 38 और 3 क्या गया, एकदम आसान पड़ गया तुम्हारे वाले से, क्योंकि तुमने वहाँ क्यूब लगाया, तुमने उसे फॉर्मूले से निकाला है ना, अगर तुम्हें क्यूब याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं, तुमने वहाँ पे क्यूब निकाला फिर वो कैरी भेजा, स्क्वायर में इंटू करा तुमने दिन, मैं सारे अप्रोक्सीमेटली कर करके वो वैल्यू हटा दी सारी, है ना, नहीं मैं वो कह रहा हूँ तुम्हें कैलकुलेशन तब भी करी वहाँ पे, जैसे ऐसे था ना यहाँ पे 3a² a³, तो यहाँ पे तुमने ए स्क्वायर निकाला फिर ये इंटू करा फिर उसे ऐड करा, तो कैलकुलेशन कर रहे थे, मैंने कहीं कैलकुलेशन नहीं करी, देखो इसमें बहुत सिंपल से कैलकुलेशन रखी, है ना, ये 25.44 सीधा हमें पता है,
12 का स्क्वायर पता था 25.44, फिर मैंने इन दोनों को 38 लिख दिया सीधा, ठीक। इसके बाद ये पॉइंट हटा दिए, सीधा क्या आएगा, लगभग 3 आ जाएगा, यहाँ से 41% आ गया, ठीक है। वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, जैसे जल्दी हो जाए वैसे करना, ठीक है। और जैसे तुम करते थे वैसे भी करके देख लेना, ठीक है। चलो अब तुम्हारा लेकिन लास्ट वो बताया था, तो क्या कह रहा था, हैं मनी नहीं करने का तुम्हारा करने का, चलो हाँ। तो बेसिक से नहीं होने का ना, यही सीजीएल के सवाल हैं और ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, इस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारे, है ना। चलो तो क्या पूछ रहा था कि कितनी जीरो होंगी, चलन दे कितने जीरो होंगे, है ना। कोई भी नंबर होगा, कहने का मतलब ये है ना, क्या जीरो क्या मतलब सबका, है ना, कि एक कितने होंगे, कोई एक नंबर पकड़ लेते हैं, दो पकड़ लेते हैं, है ना, सब बराबर ही होते हैं, है ना। दो कितने होंगे, एक तो मुझे पता है 2, 12, 22, सवाल ये है कितने दो होंगे, है ना। तो 2, 12, 22 ऐसे करके ऐसे 92 तक, सबके पीछे एक एक दो है, तो कितने दो हो गए, 10। 2, 12, 22, 32 फिर 42, ये 0, तो 0 से 9 कितने हो गए, 9 तो ये हो गए प्लस एक ये 10 हो गए। तो वैसे कैलकुलेट मत करिए उंगलियों पे, 2, 12, 22, 42 ऐसे मत करिए, कैसे करना है मैथ से, 9 तो ये है लेकिन एक ये नंबर ये भी तो था 0, 2 वाला, तो 0 से 9 तक है, 0 से 9 तक कितने नंबर हुए, 10, तो 10 दो हो गए, है ना, जो इनके पीछे है। इसके अलावा दो कहाँ आएगा, इसके अलावा दो ये आएंगे जो 20 वाली सीरीज चल रही होगी, 20, 21, 22, ये वाला तो गिन चुका है ऑलरेडी, ऐसे कहाँ तक, 29 तक, सेम इसमें 9 ये और एक ये, तो 10 ये वाले, समझ गया। ये मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ तो इसलिए नहीं गिन रहा मैं, जब पीछे वाले नंबर गिने थे ना मैंने, इसको हटा के नहीं, 22 वाले का पहला वाला नंबर बस, 9 क्यों है, 20 से 29 तक पहला नंबर 2 है ना, मैं पीछे वाला नंबर ले रहा था, तो 10 ये हो गया, तो कितने नंबर कितने हो गए, 20 दो हो गए, मैंने बताया था ना, एक 19 बताया था, एक 20 बताया था, 19 क्या था, ये वाला करा था ना पीछे वाला, ये पहला करा था, ये अब कर रहा हूँ पहला वाला, ठीक है। पहले करे थे हर नंबर के पीछे जो नंबर आ रहा था, 0, 2 के पीछे वाला, 12 के पीछे वाला, 32 के, देखो 0, 2, 12, 22, 32, 42 ये थे ना, ये वाले दो ऐड करे थे मैंने, अब मैंने पहले नंबर वाले ले लिए, जैसे ये क्या था 20, 21, 22, 23, तो पहले पहले वाले उठाए, समझ गया। तो नंबर तो होंगे 22, ठीक है, अगर 100 से नीचे पूछ रहा है ना, तो नंबर कितने होंगे, हर नंबर वो 22 कह रहा हूँ 20 बार होगा, हर नंबर 20 बार होगा, 1 भी 2 भी, ठीक है 3 भी, 100 से नीचे दो डिजिट नंबर अगर पूछ रहे, 2 से नीचे, है ना, 100 को एक्सक्लूड करके, क्योंकि 100 गड़बड़ कर देता है, इसमें 2 जीरो लेकर बैठ जाता है ना, तो अगर 0 पूछेगा 100 तक तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे डिजिट कितने हुए, 20, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता है ऐसे नंबर कितने हैं जिनके पास 2 है, तो आंसर चेंज हो जाएगा, नंबर हो जाएंगे 19, क्यों, 22 एक इकलौता नंबर है जो 2 लेकर बैठा था, बाकी सारे अलग नंबर थे, लेकिन ये 2 बार काउंट कर दिया हमने, इधर से भी इधर से भी, तो एक हटाना पड़ेगा मेरे को, है ना, 22 वाला एक क्यों हटा देंगे, क्यों मैंने एक बार पहले गिन चुका हूँ। तो ऐसे नंबर 19 है जिनके पास 2 है, ऐसे नंबर 19 है जिनके पास 5 है, ठीक है। आगे बात समझ में, 99 तक, मतलब 100 तक एक ही बात है इसमें तो, है ना, इसमें तो है नहीं। अगर 100 तक पूछे एक कितने बार आएगा पता ना, एक से लेके 91 तक 10 नो, क्यों आएंगे, 21 बार, 21 बार 100 आ गया, है ना, ठीक है।
सौ में पहुंच गया ये, तो ज़ीरो भी गड़बड़ कर देगी, ज़ीरो भी ज़्यादा हो जाएंगे हम। ज़ीरो चेक करो, वो बता रहा बाईस बाईस क्यों आएगी, बता ज़ीरो बता। देखो एक एक हो जाएगा, इक्कीस बार, इक्कीस बार आना था ना, क्या समझ में नहीं आया, बीस तो आ ही रहा था। देखो ये ज़ीरो वन से ले, ज़ीरो वन से 91, हाँ हाँ, लेकिन अब सौ वाला जो नंबर है उसमें भी तो एक एक आ गया ना, इससे पहले रिपीट नहीं हो रहा था नंबर जो ये थे ना, नौ दस बीस तीस, है ना, केवल एक बार आ रहा था। इसमें क्या हुआ, सौ में वापस जाके एक तो यहाँ पे था, एक और आ गया, आदमी एक बढ़ गया एंड में ना सबके 92 112 थोड़ा लोग 98 में टू कहाँ आएगा, फैक्टर नहीं करना, उसका सवाल ये है कितनी बार लिखा है उसमें, फैक्टर नहीं करना, कितनी बार दिखेगा तुम्हें उसमें, फैक्टर नहीं करना, सवाल आते हैं ऐसे कितनी बार तुम्हें दिखेगा सो तक, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें 98 में, तो वो यही पूछ रहे हैं 98, ये तो आपको 9 और 8 दिख रहा है, फैक्टर नहीं पूछना चाह रहा वो, कितनी बार दिखेगा सवाल ये है ना, तो आपको 10 तो वो दिखेंगे और 20 सवाल सीरीज में दिखेंगे भी 10, ठीक है, लेकिन इसमें वन में चेंज हो जाएगा, 100 भी ऐड हो जाएगा, तो एक 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 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ज़ीरो का बताओ, आप चुप रहना है ना, बताओ, अब तो भी चुप रहे, 22 क्यों आर्यन और ये 22 बता रहे हैं, जीरो वन ही क्यों लिखेगा, डबल जीरो वन लिख, दिक्कत है, 12 क्यों लिख रहा है, डबल जीरो 12 लिख, जीरो 12 लिख, किसने कही दो संख्या लेनी है, एक से 100 तक की संख्या लेनी है, 10 से 9 तक 9 और 2 1 11 है ना, तो 11 0 है, ठीक है, आपने 0, हाँ आपने बोला इसलिए 20 वाला वो 9 तक एप्लीकेबल है ना, तो उसे 01 नहीं लिखना है, क्योंकि 01 के 01 क्यों लिख रहा, फिर डबल 01 लिख, ट्रिपल 01 लिख, और 12 को 12 क्यों लिख रहा है, ये लिख, इनफिनिट 0 हो जाएंगे ना फिर तो, ठीक है, मैं पीछे नहीं लगा सकता, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कितने में लगा सकता हूँ, ठीक है, कभी भी जब हम पढ़ते तो 01 नहीं पढ़ाता कोई, मैं 1 ही पढ़ाता, ठीक है, चलो भाई बंद कर दे, रट मत, रट मत।